कभी कभी। और ये व्लॉग बनाने में मुझसे टूट चुका है। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कोई चैलेंज नहीं, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कोई चैलेंज नहीं, यूं चैलेंज नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। मैं गई थी आज अपने रिलेटिव्स के यहाँ दावत में, वहां से आके बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, टाइम इतना ज्यादा हो गया, लेकिन डेली व्लॉगिंग का प्रॉमिस किया है तो डेली व्लॉगिंग लाजमी करनी है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तो खैर मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को करवा दूं अपना रूम टूर पूरा, क्योंकि काफी लोग मुझे मेरी शादी के बाद बोल रहे थे, काफी सारे मेरे रिलेटिव्स, काफी सारे मेरे नोन पर्सन्स मुझे बोल रहे थे कि आप अपना रूम दिखाएं, आप अपना रूम दिखाएं, आप अपना फर्नीचर दिखाएं, आप अपना रूम दिखाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक व्लॉग बना लूं अपने रूम टूर पे। तो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी अपना रूम। तो मैं ये दिखाती हूँ, ये है मेरा बेड। अच्छा, इस रूम में खास बात यह है कि सब कुछ मेरी चॉइस से, कुछ भी मेरे हस्बैंड की चॉइस से नहीं है, सब मैंने खुद सिलेक्ट किया है, खुद चॉइस किया है, हर चीज बारीक से बारीक चीज मेरी चॉइस पर है। जो भी मेरे हस्बैंड ने चूज किया, मैंने कहा नहीं ये नहीं, मुझे ये चाहिए, क्योंकि मेरी और उनकी चॉइस काफी डिफरेंस है, बट मुझे मेरी चॉइस ज्यादा पसंद है, लेकिन उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। पता है उनकी चॉइस कहाँ अच्छी है? उन्होंने मुझे पसंद किया, मैं उनकी चॉइस। शकल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। तो उनकी चॉइस मुझसे ज्यादा अच्छी है। तो खैर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है मेरा बेड, ये मेरा जो बेड है इसमें काफी सारे कलर्स थे, लेकिन मुझे व्हाइट और रेड का कॉम्बो बहुत ज्यादा पसंद था, तो मैंने व्हाइट और रेड अपने पूरे रूम में व्हाइट और रेड का कॉम्बो किया। अब ये जो है इसमें काफी सारे कलर्स थे, जैसे रेड, रेड मरून, ग्रीन, मतलब बहुत सारे कलर्स थे, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, मतलब बहुत सारे कलर्स थे। तो मैंने डिसाइड किया अपना रेड और व्हाइट का कॉम्बो। मुझे मेरे ब्रदर ने बोला था तुम ना रेड और ब्लैक का कॉम्बो करो, बहुत अच्छा लगेगा। बट मैंने जब सोचा, काफी सारा दिमाग लगाया, मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि व्हाइट का कॉम्बो ज्यादा अच्छा लगेगा, बाकी तुम देख लो। तो फिर मैंने पसंद किया व्हाइट और रेड। ये है मेरा बेड। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता, लेकिन मेरे लिए ये रूम मेरी पूरी दुनिया है, मेरी पूरी जन्नत है, मेरा पूरा सुकून है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है अपना फर्नीचर भी पर्सनली, क्योंकि मैंने चॉइस किया था। आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा रूम टूर कैसा लगा। ये जो मेरा बेड है ये मुझे बहुत पसंद है, ये जो मेरा है साइड कॉर्नर ये भी मुझे बहुत पसंद है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरे साइड कॉर्नर के ड्रॉज में हम लोगों ने क्या रखा हुआ है। तो ये जो फर्स्ट ड्रॉ है इसमें जस्ट मैं अपना थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक और टिश्यूज और मेरे वाइप्स वगैरह होते हैं यहाँ पर। अभी वाइप्स पता नहीं कहाँ से लग गया मेरा, ये हाँ ये मेरे मेकअप रिमूव वाइप्स होते हैं, इसमें टिश्यू होते हैं, सही है, इसमें ये होता है। सेकंड वाली जो ड्रॉ है वो शावेस की है, जो तहस नहस हुई हुई है। इसमें शावेस की वॉचेस, बेल्ट और वॉलेट्स, और शायद अपना एक अलग परफ्यूम रखते हैं वो भी है, जो मुझे छूने के लिए मना तो नहीं करते लेकिन मैं छूती नहीं हूँ। चले शकल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। तो ये है मेरे बेड का सेकंड वाला साइड कॉर्नर। अच्छा वो वाला जो साइड कॉर्नर था वो है शावेस का, ये है मेरा। तो शावेस के में मैंने अपनी कॉस्मेटिक भी डाला हुआ है, शावेस का और मेरा तो सब एक ही है ना, लेकिन जो मेरा है वो मेरा है, जो शावेस का है वो तो है ही मेरा ना यार। शकल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। तो ये है हमारी ड्रॉ जिसमें हम अगड़म सगड़म सब कुछ डाल देते हैं, वायरिंग भी डाल देते हैं, तो डाटा केबल भी डाल देते हैं, तो ये भी डाल देते हैं, तो वो भी डाल देते हैं, इसमें हम सब कुछ डाल के रखते हैं। अच्छा तो ये वाली ड्रॉ है ये मेरी फेवरेट ड्रॉ है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट ड्रॉ है। ये शावेस को जैसे मैं रोज एक चैलेंज करती हूँ, वैसे ही शावेस को हर शाम में एक चैलेंज मिलता है कि ये ड्रॉ फिल करे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मुझे ये एनी टाइम फिल चाहिए, क्योंकि मेरा पता है क्या शौक है, मेरा एक ही शौक है, खाओ पियो खाओ पियो खाओ पियो और ऐश करो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मैं खाती बहुत हूँ, मुझे हर खाने के बाद चाहिए होता है खाना, मुझे हर रिफ्रेशमेंट के बाद चाहिए होता है खाना, मुझे हर टाइम खाना 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 चाहिए होता है। और ये है कि मैं फिल्म देख रही होती हूँ तो मेरा मुंह चपड़ 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 एनी टाइम चलना चाहिए। नहीं 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 सारों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। बातों में नहीं, वैसे बोलती तो मैं बहुत खाने में खचक खचक। तो ये ड्रॉ मेरी फेवरेट थी। तो ये है मेरा एलईडी यूनिट, जो मेरा एलईडी यूनिट है ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है इस रूम का, क्योंकि ये मैंने पूरा ऑर्डर पे बनवाया था,
उन्होंने मुझे बोला था कि इस फर्नीचर के साथ डिवाइडर है, लेकिन हम ऑर्डर कुछ भी कर सकते हैं, एलईडी यूनिट या डिवाइडर, चॉइसेस योर्स, उन्होंने बोला था। तो हमने डिसाइड किया कि हम बनवाएंगे एलईडी यूनिट। जब न्यू एलईडी आई थी तभी मैंने यूनिट इमेजिन कर लिया था, शायद जब यूनिट आए भी नहीं थे, कि एक एलईडी यूनिट होना चाहिए। तो ये जो एलईडी यूनिट है मेरा, ये मैंने उनको, उन्होंने मुझे कहा था कि जो वुड है ये पूरे पे वुड होगा, बट मैंने उनको बोला नहीं, ग्लास होना लाजमी है क्योंकि मुझे ग्लास पसंद है। अच्छा मैं, हाँ, तो यहाँ जो मैंने सोचा था, मैंने रखे हुए इतने सारे डेकोर पीसेस जो मैंने अपनी शादी के टाइम में लिए थे शाविस के साथ, और जो मैंने शादी के बाद जो हम हनीमून पे गए थे पाकिस्तान टूर पे, मैंने वहां से भी काफी सारे जो है ना डेकोर पीसेस लिए थे, वो यूं लिए थे कि मैं यहाँ पे अपने एलईडी में रख सकूं। बट यू नो व्हाट, शादी के बाद इतना इंसान बिजी हो जाता है कि वो रखने का भी मुझे टाइम नहीं मिला, और व्लॉग बनाना शुरू हो गई मैं। ये भी जो सेट हुआ हुआ है मेरे इन-लॉज ने सब सेट कर दिया कि हम सेट कर देते हैं तुम बोल रही हो, तो बाकी मेरा कोई इरादा नहीं था, इसको बिल्कुल खाली मैंने एम्प्टी रखा हुआ था, तो इसलिए किसी को अच्छा नहीं लग रहा था एम्प्टी, उन्होंने कहा चलो यही फिल कर देते हैं हम इसमें। तो अब ये जो एलईडी यूनिट है मेरा, इसकी स्टोरी बताऊंगी, फ्रेम्स की स्टोरीज बताऊंगी आपको मैं, इनके पीछे एक बहुत लंबी कहानियां हैं। तो ये जो फ्रेम है इसकी कहानी ये है कि शावेज ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और ये जो पिक्चर है हमारी, ये फर्स्ट एंगेजमेंट एनिवर्सरी थी हमारी, ये उसकी पिक्चर है, और ये मेरी फेवरेट पिक्चर है, शावेज को पता था मेरी फेवरेट, इसलिए शावेज ने इस फ्रेम में करके दी। अच्छा, इस फ्रेम में चारों तरफ जो है ना लाइटिंग होती थी, बट वो अब खराब हो चुकी है, आई लव दिस फ्रेम। अच्छा, जो ये छोटू टेडी बेयर है, ये मैंने शावेज को शादी से पहले एक बास्केट गिफ्ट की थी, उसमें मैंने चॉकलेट्स, वॉच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गॉगल्स वगैरह ये सब चीजें रखी थी, तो उसमें ये छोटू सा टेडी बेयर भी रखा था जिसपे लिखा है आई लव यू। तो ये है, और ये जो है ये मेरी शादी पे पता नहीं क्यों आया था, मम्मा ने कोई इसके साथ रसम करनी थी, मगर ये हो नहीं पाई, तो इसलिए मम्मा ने मुझे दे दिया, तुम अपने रूम में डेकोर कर लो इसका। तो ये जो फ्रेम है हमारा, ये फ्रेम है हमारा शादी से पहले का, ये फ्रेम शादी से पहले का है। ये जो पिक्चर है हमारी, इस पिक्चर के पीछे एक स्टोरी है, ये स्टोरी है इस पिक्चर के पीछे, कि ये जो पिक्चर है इसमें शाविस को मैं जिंदगी में सबसे खूबसूरत शायद यही लगी थी, इसके बाद शाविस को मैं शायद इतनी खूबसूरत नहीं लगी, क्योंकि शाविस मुझे कहते हैं ये लड़की मेरे पास से कहीं खो गई है, जो ये लगी थी उसके बाद मुझे दोबारा नहीं लगी, फिर बारात पे खैर मैं इससे भी ज्यादा अच्छी लगी शाविस को, लेकिन शाविस को जो ये मैं लगी उसके बाद मैं नहीं लगी, वो कहते हैं यार ये लड़की कहाँ खो गई है, गजब बेइज्जती है। बट मैं ये कहती हूँ शाविस जो ये है, और अब जो शाविस काफी चेंजिंग है उसमें, ये लड़का मुझे मिले ना मिले जो आज मेरे पास है वो बहुत खूबसूरत है, तो आज वाला मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन शाविस को ये वाली ज्यादा पसंद है, लेकिन शाविस को मैं भी बहुत पसंद हूँ, ये और मैं एक ही तो है। हाँ, तो अब हम आते हैं अपने वैनिटी की तरफ, वैनिटी की तरफ हम आए हैं, और वैनिटी में आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है मेरे पास। वैसे वैनिटी टूर मुझे अकेले में अलग व्लॉग करना चाहिए था, लेकिन मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे पास वैनिटी में क्या क्या है। तो वैनिटी में मेरे पास है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, देखें हमारी लाइफ में ना चीजें होती हैं और उनके पीछे एक स्टोरी छुपी होती है, नहीं मतलब यार ये हानिया आमिर का परफ्यूम है मेरे पास, और इसके पीछे एक स्टोरी छुपी है, तो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्टोरी ये है कि ये परफ्यूम मैंने लिया शादी से पहले, शाविज और मैं शॉपिंग पे गए थे, तो वहां पे मैं, मुझे ये पसंद आया, मैंने कहा शाविज मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो शाविज ने मुझे ये दिलाया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो ये परफ्यूम मैंने लिया, मैं बहुत खुश थी, काफी टाइम से मैं देख रही थी हानिया आमिर, एमन खान, आयमा बेग के परफ्यूम्स वगैरह, तो मैंने सोचा था मैं एमन खान का लूंगी क्योंकि मुझे बहुत फेवरेट है वो मेरी, मुझे पसंद है बहुत, लेकिन उसकी ऊद की फ्रेग्रेंस थी तो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने वहां से लिया हानिया आमिर का। लेकिन सीन क्या हुआ मेरे पास, ये मैंने रख दिया इसको पैक करके हानिया आमिर का परफ्यूम, और मैंने कहा शादी के बाद यूज करूंगी यार, तो वलीमे वाला डे था, मैं रेडी हुई थी सारा सलोन एंड स्पा से, जहां से मिनाल खान एक्ट्रेस रेडी हुई थी अपने वलीमे पे, मैं वहां पे गई थी रेडी होने के लिए, और मैंने अपने लगेज में पहले अपना ब्राइडल गाउन रखा, ड्रेस अपना, फिर मैंने ये परफ्यूम रखा ऊपर, मतलब हुआ कोई ऐसा बेवकूफ, मैं पागल हूं ऊपर रखा और लगेज को बंद कर दिया, और जब मैंने वहां जाके अपना लगेज खोला है सलोन में जाके, मैंने ऐसे अपना ब्राइडल ड्रेस उठा लिया और ये परफ्यूम ऐसे नीचे गिर गया, और वो टूट गया, और वो टूट गया। क्या बोला? और टूट के मतलब बिखरा, मेरा इतना रोने वाला फेस था कि मुझे इतना पसंद था हानिया आमिर का परफ्यूम, और वो गिर के टूट गया। फिर खैर वहां पे सबने बहुत अफसोस किया मेरे पास आके, फिर मैंने की शाविस को कॉल, अब मैं शाविस को कॉल करके कहती हूँ शाविस यार मेरा परफ्यूम टूट गया यार, तो शाविस बड़े प्यार और मोहब्बत से मुझे कहते हैं
क्या हो गया, टूट गया तो मैं दूसरा ला देता हूँ। और मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि यार शाविद अभी मेरे लिए हानिया आमिर का दूसरा परफ्यूम ला रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे कहते हैं मैं दूसरा ला देता हूँ, मैं थैंक यू सो मच शाविद, हाउ स्वीट। कहते हैं क्या हो स्वीट, मैं बोल रहा हूँ घर पे जो परफ्यूम रखे उसमें से कोई दूसरा ला के दूं तुम्हें। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। मैं नहीं चाहिए यार दूसरा, मैं यहाँ पे सदमे में हूँ, मेरा आने आने का परफ्यूम टूट गया, आपके लिए दूसरा ला देता हूँ। खैर फिर हम लोग आए अपना वलीमा वलीमा, बस तो इसके पीछे ये स्टोरी थी। फिर ऐसा हुआ कि शाविद मुझे लेके गए चेस, वहां पे हानिया का परफ्यूम आया हुआ था। शाविद ने मेरे हाथ में रखा ये बॉक्स, शाविद ने मेरे हाथ में रखा ये बॉक्स और मुझे धुलमट्टी सुन गई अंदर रखे रखे। तो ये बॉक्स शाविद ने मुझे दिया और देके बोला जाओ काउंटर पे बिल पे कर दो। मैं कहा सच में? तो कहते हैं हाँ ये लो पैसे, काउंटर पे बिल पे करो जाके, तुम ले लो, तुम हानिया के परफ्यूम के लिए रो रही थी मैं। ओह माय गॉड, फिर शाविद ने मुझे ये दूसरा हानिया का परफ्यूम दिलाया। तो ये आइडियाज का जो ये परफ्यूम थी बहुत बहुत अच्छे हैं, इनकी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा अच्छी है, मैं तो आप लोगों को कहूंगी आप जरूर ट्राई कीजिए। और ये जो तीन मैंने लिए थे इसमें सबसे जो अच्छी फ्रेग्रेंस थी इबिक 5 की थी, बहुत बहुत अच्छी थी। मेरे ख्याल से अभी भी ये सेल में आए हुए हैं, तो आप लोग ये जल्दी से जाके परचेज कीजिए। और ये जो मैं इसकी फ्रेग्रेंस से इतनी सारी यादें जुड़ी हैं। ये तीनों परफ्यूम्स हम लेके गए थे अपने पाकिस्तान टूर पे हनीमून पे, तो हर एक खुशबू में एक याद है। इसकी जो याद है ये मेरी बारात की है, मैंने बारात में लगाया था फर्स्ट टाइम। हर खुशबू के पीछे एक याद होती है। इसकी ये स्टोरी है कि इसका जो कैप था वो कैप ये सेम ऐसा कैप था इसका, हमारे घर पे आती है शाविस की कजन मीरू, उसने गम कर दिया। तो खैर ये परफ्यूम मेरा फेवरेट है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ये मेरी एक कज़न ने शाविस को गिफ्ट किया था, ये निम्रा ने गिफ्ट किया था। और ये उसने बताया था कि वो दुबई से उसका कोई कज़न वगैरह लेके आया था शाविस के लिए, तो उसने ये गिफ्ट किया था। और ये है मेरा मिस्ट, जिसका भी कैप पता नहीं कहाँ गुम हो चुका है। है चीजी, तो आप लोगों को पता है कितना फेमस ब्रांड है, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये मुझे गिफ्ट में आया था परफ्यूम, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। और जिसने भी गिफ्ट दिया हो कहीं वो मेरा ये व्लॉग ना देख ले। शकल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। नहीं यार ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो और ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत लोगों ने गिफ्ट की थी। मेरे बहुत सारे नेल पेंट्स, ये मेरे बहुत सारे नेल पेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, काफी सारे हैं। लेकिन मेरे नेल पेंट में पता है क्या खास बात है, इनमें खास बात ये है कि ये जितने भी हैं ये सारे न्यूड और हसीन कलर्स हैं। अगर किसी को न्यूड कलर्स अच्छे लगते होंगे ना तो उन्हें ये जरूर पसंद आएंगे। ये सारे न्यूड कलर्स हैं और मुझे न्यूड कलर्स के नेल पेंट बहुत 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 ज्यादा पसंद है। मैंने जितने भी नेल पेंट्स लिए थे सब न्यूड कलर के लिए थे, ये न्यूड नहीं है, ये न्यूड नहीं है और दो चार और हैं जो न्यूड नहीं है, लेकिन काफी सारे मैंने न्यूड में लिए थे। मॉइस्चराइजर्स, ये मेरे फेवरेट मॉइस्चराइजर हैं VLCC के। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने मॉइस्चराइजर यूज करने हैं तो VLCC के मॉइस्चराइजर जरूर यूज कीजिए। ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज कर देता है स्किन को और सर्दियों के हिसाब से अच्छा है। अभी तो फिलहाल मैंने इसको रखा हुआ है ऐसे ही क्योंकि मैं अभी यूज नहीं कर रही, अभी गर्मी। और ये जो मॉइस्चराइजर है ये बहुत फेमस मॉइस्चराइजर है, जहां तक कि आप लोगों ने खुद भी देखा होगा चेस पे ये ऐसी सामने फ्रंट पे रखा हुआ होता है। ये मॉइस्चराइजर भी बहुत अच्छा है, ये मैंने फेस पे भी बहुत बार अप्लाई किया है, ये बहुत बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर लगा मुझे फेस के हिसाब से। और ये जो मॉइस्चराइजर है ये हैंड और फीट के लिए बेस्ट है। ये मोराल के कॉम्पैक्ट्स हैं, ये 2 कॉम्पैक्ट हैं, ये भी बहुत अच्छा है, अगर आप यूज करना चाहें तो यूज करें, ये चॉइस इज योर्स। अगर आपको अच्छा लगे तो सही है, मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा ना ये बहुत बुरा लगा, बस नॉर्मल था। यार इसकी कहानी बहुत बुरी है यार, ये मैंने लिया था मेबलिन का ये हाइलाइटर है, यार ये तहस नहस हो चुका है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। मतलब अगर आप ब्रांड लो तो ब्रांड का क्या फायदा जब वो बिना गिरे टूट जाए। ये मैंने मेबलिन का हाइलाइटर लिया था, ये मैंने लिया था 2400 का और ये इतनी जल्दी खराब हो गया, इतनी जल्दी टूट गया, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है ये। मेबलिन का ब्रांड मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। तो मैं आप लोगों से कहूंगी अगर आपको लेना है तो मेबलिन का आप ये हाइलाइटर यूज कीजिए, बेस्ट हाइलाइटर है, बेस्ट, बिल्कुल नेचुरल लुक देगा आपको ये। 2400 का ये आपको मिल जाएगा इम्तियाज से, नाहिद से और चेस से भी मिल जाएगा आपको।
यार इसकी स्टोरी भी बहुत मजेदार है। ये गुची नहीं है, ये उर्ची है। ये जो बात है मैं आपको सच बात बताऊं, ये थोड़ा लोकल है। ये मैंने लिया था 350 रुपए का, तो ये मोराल के मुकाबले थोड़ा है। लेकिन ये मोराल जो मैंने आप लोगों को दिखाया, मोराल, ये मोराल ब्रांड है, इससे ज्यादा अच्छा मुझे ये उर्ची लगा। ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा, ये भी मैंने लिया था, ये थोड़ा सस्ता लिया था मैंने, लेकिन उससे ज्यादा बेस्ट ये है। अगर मेरी माने तो इसको भी यूज करके देखिएगा, ये भी बहुत बेस्ट है। जरूरी नहीं है तो इंसान को पैसे देके चीज नहीं यूज करनी चाहिए, इंसान को यूज करनी चाहिए चीज क्वालिटी देख के। कभी कभी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और ये व्लॉग बनाने में मुझसे टूट चुका है, तहस नहस हो गया। थैंक गॉड कि ये जो थोड़ा सा बचा हुआ था मोराल वो टूटा है, मेरा जो न्यू मोराल है वो सलामत है। मेकअप टूटता है चाहे वो इतना सा क्यों ना हो, अफसोस बहुत ज्यादा होता है। और वाइफ से जो अफसोस होता है वो हस्बैंड को होता है, क्योंकि दिलाना जो पड़ता है। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोबड़ी है। तो ये है मेरा बॉडी वॉश, आई लव दिस। ये आप अगर यूज करना चाहें तो जरूर यूज करिएगा, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब अगर आप शावर लेके आए हो तो इसकी फ्रेग्रेंस आपके पास रहेगी 10 घंटे तक मौजूद। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। अब आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो उसके लिए नहीं है ये, कि स्वेटिंग इतनी सारी हो रही है और आप बोलो 10 घंटे तो चला नहीं है। ये है मेरा फेवरेट, जेनसन के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद है, ये स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग कर देता है। आप लोगों कह रही थी कि आज मैं चैलेंज नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन मैं चैलेंज कर रही हूँ आप लोगों के साथ। फैन जो है मेरा वो मैं बंद करके करती हूँ व्लॉगिंग, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा आवाज आ रही होती है। और जो एसी है माशाल्लाह से सुबह ही वो एसी खराब हो चुका है हमारा। अब जब हम लोगों को सही करवाने का टाइम आया तो शाविद मुझे ले गए दावत में, और शाविद ने कहा यार मैं कल सही करवाऊंगा। तो मैं जो व्लॉगिंग कर रही हूँ इंतहाई स्वेटिंग में व्लॉगिंग कर रही हूँ, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है मुझे। लेकिन ये चैलेंज है कि मुझे आप लोगों को लाजमी दिखाना है, एक तरह से ये चैलेंज ही हो गया। मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। और ये जो मेरा है, ये मेरा वैनिटी बॉक्स है, इसके अंदर बहुत मैसअप हुआ हुआ है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मैसअप हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा मैसअप हुआ हुआ है। इसका मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी अपने लिपस्टिक शेड्स का, मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक शेड्स हैं, तो उसका मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी अपनी लिपस्टिक का। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ड्रॉ में हमारी क्या क्या मौजूद है। तो ये वाली ड्रॉज तो बहुत ज्यादा खराब हुई हुई है, इसमें मैंने सारे डाले हुए परफ्यूम के बॉक्सेस, नीचे में ज्वेलरी है, ये वाली भी बहुत ज्यादा मैसी है तो मैं ये नहीं दिखा रही। और ये देखिए मेरे कॉम्पैक्ट कितनी गंदगी हुई हुई है यहाँ पे। और ये जो है यहाँ मेरा आयरन, ड्रायर और ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ है। हाँ तो ये आ गया है फाइनल लास्ट मेरा रूम का पार्ट, ये मेरी वार्डरोब है। तो ये जो मेरी वार्डरोब है, ये इसका सीन भी कुछ डिफरेंट है। ये मैं आप लोगों को वार्डरोब टूर भी करवाऊंगी अपना एक दिन जरूर। इसका ये सीन है कि इसमें जो वार्डरोब था वो ऐसे वाला भी था जो डोर्स ऐसे ओपन हो जाते हैं, बट मुझे ये वाला चाहिए था। ये मतलब ये धड़कन मूवी आई थी, बहुत पुरानी है, मेरे बचपन की है वो। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी मैं 11-12 ईयर्स की होंगी ज्यादा, तब मैंने उसका वार्डरोब देखा था ऐसा। तो मैंने जब ही बोला था यार यही वार्डरोब चाहिए मुझे, तो मतलब बचपन में सोचा था और अब मिल गया फाइनली। तो ये जो मेरा वार्डरोब है ये मैं खोल के नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं कपड़े ऐसे रखती हूँ, यूं वार्डरोब खुलो और यूं गिर जाए आगे। तो एक दिन इसको सेट करके मैं जरूर दिखाऊंगी आप लोगों को कि मेरे पास क्या क्या, कौन कौन से, कैसे कैसे ड्रेसेस हैं। तो ये मेरा वार्डरोब है जो मैं ज्यादा नहीं खोल सकती। ये साइड मेरी है और ये जो साइड है ये भी मेरी है। क्या बोला, क्या बोला? और शाविस को बिल्कुल इतना सा मैंने हिस्सा दिया है अपनी वार्डरोब का। ये मैं आपको ज्यादा खोल के नहीं दिखा सकती, बस डोर दिखा सकती हूँ कि इसका डोर कैसा है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा मैसअप है, ऐसे कपड़े आगे गिर जाएंगे। तो यहीं से हमारा खत्म होता है रूम टूर का व्लॉग। तो मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं आकर व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, प्लीज आप लोग हमारे
व्लॉग्स पे नीचे कमेंट्स किया करें, जो मुझे आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आज ये चैलेंज करो, आज ये चैलेंज करो। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि तुम अपना रूम टूर करो, चैलेंज मत करो, बस चैलेंज दो करा करो, एक डिफरेंट कुछ किया करो। तो लोग मुझे सजेस्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को दिन ज्यादा नहीं हुए अपना चैनल बनाए हुए, सिर्फ 6 डेज हुए, और 6 डेज में जो मुझे मोहब्बत, प्यार और लाइक्स और व्यूज मिल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इनफैक्ट यूट्यूब से भी मेरे पास आया था, ओ नाइस रिस्पॉन्स। तो बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग, थैंक यू सो मच उसके लिए। और इसी तरह से हमारी वीडियोस देखते रहेंगे हम, नए नए चैलेंज, न्यू टूर्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को हमारा रूम टूर कैसा लगा। और जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि टाइम अभी क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है रात के 4 बज रहे हैं, मतलब मैं आप लोगों के लिए रात के 4 बजे भी वीडियोस बना रही हूँ। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तो आप लोगों को ये चाहिए कि थोड़ा तर्स और मेहनत और ये पसीना देख के आप मेरी वीडियोस लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और रिक्वेस्ट, जैसी आप लोगों की कोई भी रिक्वेस्ट हो, आप हमें व्लॉग के नीचे कमेंट में बताया करें कि नेक्स्ट ये चैलेंज कीजिए, नेक्स्ट ये वीडियोस बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड माई हस्बैंड, एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों का वीडियोस देखने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड का जो मेरे साथ इतने पसीनों में, इतने ज्यादा स्वेटिंग में रात के 4 बजे मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरी वीडियोज बना रहे हैं। थैंक यू सो मच शावी। तो चलिए यहीं से करते हैं व्लॉग का दी एंड, थैंक यू सो मच। इतनी गर्मी में चाह रहे ने मेरी वीडियोस बनाई। शाबाश, पागल हूँ ना, कितना पसीना आ रहा है। ओ माय गॉड, बहुत पसीना आ रहा है।